सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। बहुत हो गया रंगीली, बहुत भूलिया झूठ। बता दो सबको कि तुम कौन हो, बता दो सबको कि तुम मेरी पत्नी सिद्धि हो, मेरी सिद्धि। टूटने से बस एक कदम की दूरी पे खड़ा हो, मुझे बचा लो सिद्धि। नहीं, ये भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है। जब तक हमें इस बात का सबूत नहीं मिल जाता कि माया के पेट में बच्चा नहीं है, हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हम सिद्धि। बहुत दर्द हो रहा होगा ना बाबू, मैं दवाई लगा देती हूँ, आओ बैठो। इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू सावन भी तू फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जियूं। मेरा मान है मेरा गुरूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर। मैं कह रही हूँ दादी, ये बदनामी और नुकसान से बचने का एक ही उपाय, ये खबर को दबाना है तो एक ही तरीका है हमारे पास, उससे भी बड़ी खबर बाजार में उतार दीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है दादी कि बाबू को दुनिया के सामने एक दावत रखना होगा। अब दावत? और उमें उस सारे उका कहते हैं मीडिया और प्रेस वालों को बुलाकर गोरी में इनको अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। नगरानी ने कोई समझदारी की बात की है भाई, वाह। कहीं इसमें भी सिद्धि की कोई नई चाल तो नहीं है? करना क्या चाहती है ये सिद्धि की बच्ची? रंगीली, तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो? पता है तभी तो कह रहे हैं ना बाबू, तुम्हारे ऐसे करने से दुनिया के मन में जो भ्रम है कि हमारे बीच में खिचड़ी पक रही है कम हो जाएगी, और व्यापार में जो नुकसान हुआ है वो भी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा और परिवार का सम्मान भी। आजकल तो ये सिद्धि हम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई, जिन कामों की हमें जल्दी होनी चाहिए उसकी जल्दी इसे ज्यादा हो रही है। अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। विनू, हमें लगता है कि रंगीली की बात न्याय संगत और तर्कपूर्ण है, यही करना उचित होगा। ऐसा करने से हमें हमारे परिवार का खोया हुआ मान सम्मान भी मिल जाएगा और जो हमारे व्यापार में हुआ नुकसान है उसकी भी भरपाई हो जाएगी। तुमने ठीक कहा रंगीली, हम ये सबसे फैसले कर रहे हैं क्योंकि इसी मौके पे हम माया का सच सबके सामने लाएंगे। बिना आपके साथ साथ पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि माया के पेट में बच्चा नहीं है और वो सबको धोखा दे रही है। क्या विनायक भाई, क्या कर रहे हैं आप? रोमांस ही नहीं है आपके डांस में, ध्यान कहाँ है आपका? डांस के बाद यही तो करना है। हाँ, इधर आइए, यहाँ खड़े होइए।
मुझे देखिए अच्छे से ऐसे हाथ को पकड़ के फिर ऐसे घुमा के फिर ऐसे घुमा के घुटनों पे बैठ के आंखों में आंखें डालकर आई लव यू कहना। इतना सा नहीं हो रहा है, सिद्धि होती तो सॉरी विनायक भाई। तो क्या भाभी, वैसे भी मुझसे नहीं हो रहा है। विनायक एक बार दिल से ट्राई कीजिए ना, जरूर होगा, बहुत अच्छे से होगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैं बताती हूँ काहे फील नहीं आ रहा बाबू को इस सीन में। काहे नहीं आ रहा, मेरा मतलब है कि क्यों नहीं आ रहा। उका है ना, प्यार मोहब्बत और शादी वाले सीन में लाल गुलाब होता है। अब नजर के सामने प्यार की निशानी ही नहीं होगी तो बाबू प्यार का इजहार कैसे करेंगे। तो बाबू लो ई लाल गुलाब, बोरी मेम को देके अपने प्यार का इजहार कीजिए। लीजिए लीजिए चलिए। का कर रहे हैं बाबू, ऐसा नहीं करना। मुझे दिखाओ। देखो अच्छे से देखना, ऐसे गुलाब को चेहरे से लगा के पूरे फील और रोमांस के साथ ऐसे हाथ से होते हुए। और सॉरी गोरी मैम, सॉरी। बहुत तेज लग गई ना, बस ऐसे ही करना। दिखाओ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता सिद्धि, इन पलों को जीने के लिए कितना मरना पड़ रहा है मुझे। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि माया को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करने से पहले काश मौत आ जाए मुझे। हम आपके दर्द को आपकी आंखों में साफ साफ देख सकते हैं विनय। बस कुछ देर का इंतजार और है आपका, उसके बाद हम खुद आपकी सिद्धि बन के आपके सामने वापस आ जाएंगे और फिर कभी कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। आज हम माया का सच आपके सामने ला के रहेंगे विनायक। इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू सावन भी तू फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जियू। मेरा मान है मेरा गुरूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर। चंगेली तुम छोड़ो, दो चुटकी तुम छोड़ो। हाँ मैं ना, हम दोनों का ये डांस। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें सबके सामने ही साबित करना होगा कि माया पेट से नाही है और वो सबसे झूठ बोल रही है। ये सब इतना आसान नहीं है, इसके लिए माया का ब्लड टेस्ट करना होगा
और उसकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही ये सबके सामने प्रूव हो पाएगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, माया की खून की जांच करवानी पड़ेगी तो वो भी कराएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जांच के वास्ते माया का खून मैं ला के दूंगी तुम्हें। अब तेरा सच दुनिया के सामने आने से कोई नहीं रोक पाएगा माया। अब तेरा खून ही तेरे झूठ और फरेब की गवाही देगा। अब असली रिपोर्ट आएगी और सबको पता चल जाएगा कि तेरे पेट में बच्चा है ही नहीं। आइए 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 आइए, आज के इस विशेष अवसर पर आप सबका स्वागत है। बिजनेस में अगर फायदा हो तो अक्सर लोगों को पार्टी करते हुए देखा है, लेकिन नुकसान में पार्टी पहली बार देख रहा हूँ। जरूर कोई ना कोई तो खास वजह होगी। अरे जी जी जी, बहुत ही खास और बहुत ही बड़ी वजह है। अरे आज हमारा लाडला विनू, हमारा मतलब आप सबका विनायक पांडे एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। दरअसल वो हम सबको बताने वाला है कि वो अपने उसूलों और आदर्शों का कितना पक्का है, और साथ ही ये भी कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा से एक नियम का पालन करता आया है, और वो नियम है एक नारी और सदा ब्रह्मचारी। सुषमा, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो, धैर्य रखिए जायसवाल जी, आप सबको पता चल जाएगा और पूरे संसार को भी। वैसे विनायक पांडे नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? पता नहीं कब तक मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा सिद्धि, कब तुम वापस आओगे मेरे पास। मैं उस पल को देखने के लिए तरस रहा हूँ। तुमसे दूर रहने का दर्द बहुत नहीं सा जा रहा है मुझसे। खत्म तुझसे शुरू सावन भी तू फागुन भी तू पाकर तुझे दुगना जियूं। मेरा मान है मेरा चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी मैं जानता हूँ, मेरा एक सपना किसी भी पल सच में बदल सकता है। अब अगर पूरी कायनात भी मैं अलग करने की कोशिश करे तो नहीं कर पाएगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा सिद्धि, अपना बना लूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर विनायक, मैं सार्थक शर्मा रिपोर्टर हूँ न्यूज इंडिया से। मुझे आपकी वाइफ सिद्धि के बारे में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तनी और कितना टाइम लगेगा रिपोर्ट्स आने में, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आ गई।
विनायक, विनायक कैसे लग रहे हैं हम? आप तो कभी हमारी तारीफ ही नहीं करते। माया तुम अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अब चले? चलो। आज रात हमारी किस्मत का फैसला हो जाएगा। आज पता चल जाएगा कि विनायक पांडे हमारी सावली सौतेली बहन सिद्धि के नसीब में है या हमारे नसीब में। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज हमने ये पार्टी क्यों रखी है और आप सबको यहाँ पर क्यों बुलाया। तो बात ये कि हम और विनायक अपनी ज़िंदगी की एक बहुत ही खास और बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। कोई अनाउंसमेंट ना ही होगी गोरी में। गिली, ये क्या कह रही हो बेटा? हाँ दतिया, आज मैं गोरी मेम का असली चेहरा सबके सामने ला कर रहूंगी। उनकी झूठ से पर्दा हटा के उनकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। क्या कह रही है ये? और ये बात का सबूत है मेरे पास दतिया कि गोरी मेम पेट से ना ही झूठ बोल रही हैं आप सबसे, धोखा दे रही हैं आप सबको। ये क्या अनाप चुनाव आगे जा रही है तू? और तू ये सब कुछ जो कह रही है, इस बात का कोई सबूत है तेरे पास? सबूत है और वो सबूत मैं आप सबको दिखाऊंगी। कैसा सबूत? ये देखो, यही सच्चाई है गोरी मेम की। बाप गोरी मेम मां ना ही बनने वाली। अंधेरे में रखा है उन्होंने आप सबको। और आप सब बाबू के चरित्र पे उंगली उठाने की या दाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो बाबू ने गोरी मेम के साथ कुछ गलत किया और ना ही गोरी मेम बाबू के बच्चे की मां बनने वाली। और हम विनायक की नौकरानी रंगीली ने उनकी पत्नी सिद्धि है। सिद्धि विनायक पांडे। हम आपकी सिद्धि
आपकी सिद्धि वापस आ गई है विनय, आपको कभी ना छोड़ के जाने की। दूर 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 हटो मुझसे। आप ऐसे क्यों बोल रहे विनय? ये सबूत है तुम्हारे झूठ का। मतलब ये फोटोज और रिपोर्ट्स सिद्धि की है। कैसी फोटोज? कौन सी फोटोज बनाए? सिद्धि की डेड बॉडी की फोटोज और उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी सिद्धि नहीं हो, क्योंकि मेरी सिद्धि इस दुनिया में नहीं है। मेरी सिद्धि मर चुकी है। सच नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। झूठे ये सब, ऐसा कैसे हो सकता? विनायक, विनायक, हम सिद्धि, हम आपकी सिद्धि, आपकी सिद्धि जिंदा है विनायक, आपके सामने खड़ी है। आप पहचान क्यों नहीं रहे अपनी सिद्धि को विनायक? प्लीज पहचानिए, हम ही आपकी सिद्धि। निशा भाभी, आप तो हमें पहचानती है ना? बताइए ना सबको, बताइए सबको कि हम ही सिद्धि। बुआ जी, बुआ जी, आप याद कीजिए, आपको तो सिद्धि दिखाई देती थी ना। आत्मा? नहीं बुआ जी, वो आत्मा नहीं थी, हम थे, हम ही सिद्धि हैं बुआ जी। बोलो। आप सबको यकीन क्यों नहीं हो रहा हम ही सिद्धि हैं? प्लीज प्लीज बुआ जी, सबको बताइए ना कि हम ही सिद्धि हैं। प्लीज बुआ जी। चुप कर झूठी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.